हाई स्कूल धनबाद के छात्र छात्राओं की ओर से यीशु के जन्म का संदेश एक लघु नाटिका के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। एक दिन मरियम अपने घर में प्रार्थना कर रही थी, अचानक एक जिब्राइल दूत उसके कमरे में आ खड़ा हुआ और उसे दर्शन देते हुए कहा, सलाम मरियम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। तू पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ धारण करेगी और एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखेगी। और मरियम उस कथन से अत्यंत घबरा गई और सोच में पड़ गई। उसने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा अभिवादन है, मैं तो अभी कुंवारी हूँ, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही तक नहीं। घबराओ मत मरियम, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वह महान होगा और संपूर्ण दुनिया पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं तो प्रभु की दासी हूँ, जैसा आपने कहा आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उसके बाद यीशु ने मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और मरियम जब मरियम को बच्चे को जन्म देने का समय निकट था, यीशु और मरियम को नाम लिखवाने के लिए दाऊद के नगर बेतलहम जाना पड़ा और बेतलहम पहुँचते ही मरियम का जन्म देने का समय आ गया और उनके पास बच्चे को जन्म देने के लिए कोई जगह नहीं थी। यूसुफ ने मदद के लिए किसी का दरवाजा खटखटाया, भाई साहब, हम परदेसी है, मेरी पत्नी गर्भवती है और बच्चे को जन्म देने वाली है, क्या आपके घर में हमें कोई कमरा मिल सकता है? देखिए, मेरे घर में खाली कमरा तो है नहीं, लेकिन हाँ, मेरे घर के पीछे वाले आंगन में एक चरनी है, लेकिन वहाँ मेरे जानवर रहते हैं, अगर आप चाहे तो वो जगह ले सकते हैं। आपका धन्यवाद साहब, हमें मंजूर है। सोचा मेरी लाडले तू, सोचा मेरी लाडले तू, सोचा सोचा मेरी लाड, सोचा सोचा मेरी लाड। और उस देश में बहुत गरेड़िए थे जो रात में खेतों में रहकर अपने भेड़ों का पहरा देते थे और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत अधिक डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं आप सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। आप उन्हें इस चिन्ह से पहचानने में आप एक बालक को कपड़ों में लपेटे और चरनी में लेटा हुआ पाएंगे, वही इस दुनिया का मुक्तिदाता है। चलो
हम बेतलहम जाकर वह घटना देखे जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। चरवाहे चरवाहे नचे झूमके ओ चरवाहे नचे झूमके चरवाहे नचे झूमके ओ चरवाहे नचे झूमके आज सभी गा रहे सुर मिला रहे आज सभी गा रहे सुर मिला रहे मिलके करे वंदना मिलके करे वंदना चरवाहे नचे झूमके ओ चरवाहे नचे झूमके चरवाहे नचे झूमके ओ चरवाहे नचे झूमके। दुनिया के अलग अलग कोने से तीन राजा भी तारे की पीछे पीछे चलते दुनिया के मुक्तिदाता यीशु मसीह को दर्शन करने के लिए बेतलहम पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने यीशु को प्रणाम किया, उन्हें दंडवत किया और यीशु को सोना दोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। झूमो नाचो खुशी से यार यीशु पैदा हुआ झूमो नाचो खुशी से यार यीशु पैदा हुआ यीशु पैदा हुआ ओ हो यीशु पैदा हुआ झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। और इस प्रकार प्रभु यीशु का जन्म इस धरती पर हुआ।